आदेश के बाद सुपाधड़ी के संस्थापक आनंद कुमार को पेश नहीं होने पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के चार छात्रों की ओर से दायर एक जनहित याचिका में आनंद पर ठगी करने का आरोप लगाया गया है। चीफ जस्टिस अंजय लांबा और AMV बरुआ की पीठ ने गैर हाजिर रहने पर आनंद को आदेश दिया कि वो पांच छात्रों को 10,000 रुपये का मुआवजा दे। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 28 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले 19 नवंबर को अदालत ने आनंद को 26 नवंबर को हाजिर होने को कहा था। आरोप के मुताबिक पिछले साल आनंद ने दावा किया था कि सुपर 30 के 26 छात्र IIT में दाखिला लेने पर सफल रहे, पर उन्होंने इन छात्रों के नाम नहीं जारी किए। अपने दुष्प्रचार के जरिए आनंद IIT में दाखिला लेने की तैयारी में जुटे छात्र उनके अभिभावकों को ठग रहे हैं। पूरे मामले की बात की जाए तो ये मामला सितंबर 2018 का है, जब चार IIT छात्रों ने याचिका दायर कर आनंद पर आरोप लगाया था कि वो गरीब छात्रों की मदद करने के नाम पर उन्हें IIT में दाखिला दिलाने का झूठा दावा कर रहा है। सुपर 30 में दाखिला देने के नाम पर हर छात्र से 33,000 रुपये लेकर उसने पटना स्थित रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स नाम की कोचिंग में दाखिला दिया जाता है। इसके बाद से सुपर 30 की कक्षाएं नहीं चल रही हैं, लेकिन हर साल IIT JEE का परिणाम घोषित होते ही सुपर 30 मीडिया के सामने आता है। रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के कुल छात्रों ने दिखाकर दावा किया जाता है कि ये छात्र सुपर 30 के हैं जो IIT प्रवेश परीक्षा पास करने में सफल रहे हैं। इसके लिए याचिका दायर की गई थी और याचिका के आधार पर अदालत ने पिछले साल सितंबर में आनंद और एक वरिष्ठ IPS अधिकारी अभियानंद को नोटिस जारी किया था। इन दोनों ने सुपर 30 की शुरुआत 2002 में की थी, लेकिन 2008 में दोनों अलग हो गए। नोटिस का जवाब देने के लिए भले ही आनंद अदालत में हाजिर नहीं हुए, लेकिन अभियानंद ने इस साल जनवरी में ही हलफनामा दायर कर बता दिया था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। 2008 के बाद से सुपर 30 कैसे चल रही है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.